आने का संकल्प लीजिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। पन्ना और पन्ना जिले के विकास के लिए जो काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, कभी कांग्रेस ने किया था क्या? पन्ना में मेडिकल कॉलेज आपने कभी सोचा था क्या? या मेडिकल कॉलेज या एग्रीकल्चर कॉलेज? मामा जी आज फॉर्म भरवाने आए हैं, मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है और कमलनाथ जी के द्वारा बटन पत्र जारी किया गया भाजपा का बाकी है? आज तो मेरी शुभकामनाएं हमारे तीनों पन्ना जिले के उम्मीदवार भाई विजेंद्र जी को, राजेश जी को, प्रहलाद जी को, और चूंकि अध्यक्ष जी का ये क्षेत्र है इसलिए उनको भी। भारतीय जनता पार्टी सुनियोजित ढंग से अपने प्रचार के काम में लग गई है। पन्ना के आज तीनों फॉर्म भरे गए हैं और हम अपने विकास के काम और जनकल्याण के काम, एक तो प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ने जो प्रगति और विकास की है और मध्य प्रदेश को जो सौगातें मिली है उनको लेकर, और राज्य सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने जो मध्य प्रदेश में विकास और जन कल्याण के काम किया। अब कल्पना करो, पन्ना में मेडिकल कॉलेज, पन्ना में एग्रीकल्चर कॉलेज, अब पन्ना के विकास की कल्पना तो करें। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है? ये सचमुच में अद्भुत और अभूतपूर्व है और हम इन्हीं कामों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। जन कल्याण की योजनाएं जैसे लाडली बहना योजना एक सामाजिक क्रांति है जिसने बहनों की जिंदगी बदल के रख दी है। तो हम तो अपने इन कामों को लेके जनता के बीच निकले हैं, लेकिन कांग्रेस में तो चक्कियां चल रही है। अभी कमलनाथ जी कहते हैं कि मेरी चक्की बहुत बारीक पीसती है, लेकिन इस बार दिग्विजय सिंह की चक्की ने कमलनाथ जी को ही पीस दिया। कहा कमलनाथ जी ने कि कुर्ते फाड़ो दिग्विजय सिंह के, जयवर्धन के, लेकिन सब कमलनाथ समर्थकों के टिकट कटवा के अब दिग्विजय सिंह कुर्ते फटवा रहे हैं कमलनाथ जी के। कुल मिला के दिग्विजय की चक्की ने कमलनाथ जी को पीस दिया है। हम जा रहे हैं गर्व के साथ जनता के बीच में जन समर्थन मांगने, और जो वातावरण पूरे प्रदेश में है पन्ना जिले सहित, मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक बहुमत के साथ प्रदेश में सरकार बनाएगी। अब तक की सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में इंडिया गठबंधन को लेकर दरारें पड़ रही है, इससे कितना फायदा? दरारें नहीं पड़ रही है, एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा, अखिलेश बखलेश रैली नहीं होने देंगे इंडी गठबंधन की। अब वो बनने के पहले ही बिखर गया। मैंने एक उदाहरण दिया था कि बाढ़ आती है तो एक ही पेड़ पे कई जीव जंतु बैठ जाते हैं लेकिन एक दूसरे को काटते नहीं है। यहां तो भाजपा के समर्थन की बाढ़ में भी एक पेड़ पर चढ़ जरूर गई है इंडी गठबंधन, लेकिन वहां भी एक दूसरे को काट रहे हैं। अब जनता समझ चुकी है, बड़ा शोर सुना था इंडी गठबंधन, आज कहीं दिखाई दे रहा है। अब तो जेडीयू ने भी अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए जिनने कभी देश का अहित किया था, भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड बनाए थे, वो अब सारे बिखर गए, टुकड़े टुकड़े हो गए, और मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़े। विकास के नाम पे, विकास के नाम पे बीपी बेड में छेड़खानी की संभावना है दिग्विजय सिंह के। वो तो हार के कारण अभी से ढूंढने लगे, राजा बहुत समझदार है। पन्ना में अपार अपार दिग्विजय जी विकास हुआ है, दिग्विजय जी बहुत समझदार है, उनको पता है कि हारने वाले हैं, तो अभी से वो मशीन पे दोष मार के और छुट्टी पाओ। मामा जी पन्ना में टिकटें बदलनी पड़ गई कांग्रेस को, क्या पूरा कर पाएंगे जनता का वादा? वो जब टिकट नहीं बांट पाए सही तरीके से,
पहले कपड़ा फाड़ कांग्रेस, अब टिकट बदल कांग्रेस। कुछ पवई में असंतोष है, आपके ही कार्यकर्ता। हमारा परिवार है, हम अपने परिवार में चर्चा करते हैं और समाधान निकालते हैं। धन्यवाद, आप सबको भी धन्यवाद।